हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज हम लोग बात करेंगे आर माधवन सर की अपकमिंग मूवी रॉकेटरी के ट्रेलर के बारे में। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि सूर्या यहां पर तमिल, तेलुगु और मलयालम बस इन तीनों वर्जन में नज़र आएंगे और शाहरुख खान हमें हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा इन तीनों वर्जन्स में नज़र आएंगे। तो सूर्य और शाहरुख खान को रखते हैं साइड में कि वो लोग इस मूवी में सिर्फ कैमियो कर रहे हैं और उनका काम कुछ भी नहीं है। पूरी की पूरी कहानी बेस्ड है नम्बी नारायण सर के ऊपर। अब जिसको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे और एरोस्पेस इंजीनियर थे, साथ साथ उनको पद्म भूषण का भी अवार्ड मिल चुका है। खैर अगर आप लोगों ने ट्रेलर गौर से देखा है तो यहाँ पर हमें नम्बी नारायण के स्टार्ट यानी कि 1960 से लेके उनके 2019 तक के उनके साथ क्या कुछ चीज़ें हुई और क्या कुछ चीज़ें उन्होंने हमारे देश के लिए की और बदले में देश ने उनके साथ क्या कुछ किया, ये सब कुछ हमें उस ट्रेलर में देखने को मिलता है। इनफैक्ट पूरी की पूरी मूवी बता दी है लेकिन फिर भी ट्रेलर देखते दौरान वो जो घूसबम्स थे, वो जो फीलिंग थी, वो जो इमोशंस थे, वो जो एंगर था, वो जो आप फील कर पाते हो ना उस पूरे ट्रेलर के दौरान, उसी वजह से आपको ये मूवी जाके देखना पड़ेगा। और आर माधवन सर, मैं उनके लिए तो इतना ही बोलूँ कि उन्होंने लिखा भी है इस मूवी को, डायरेक्ट भी किया और एक्टर तो वो ज़बरदस्त था ही। और जिस तरह से ये मूवी कंप्लीट होकर हमारे सामने नज़र आ रही है उससे तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई इस बार अगर नेशनल अवार्ड किसी को मिलना चाहिए तो वो है आर माधवन सर। वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, मूवी अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है। इसके अलावा नम्बी नारायण सर के बारे में मैं आपको और जानकारी देना चाहूँगा। 1994 में इनको अरेस्ट किया गया था, स्पाइंग के चार्जेस लगे थे इनके ऊपर, लेकिन 1996 में CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सारे चार्जेस डिसमिस हो गए थे। और दो साल इनको और लगे 1998 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये नॉट गिल्टी साबित हुए। खैर अब ये 6 साल इनको किस तरह से टॉर्चर किया और इनकी फैमिली के साथ क्या कुछ हुआ, कैसे ये मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे और उसके बाद कई साल तक ये जस्टिस के लिए आवाज़ उठाए, ये सब कुछ आपको ये पर्टिकुलर मूवी में देखने मिलेगी। जैसे नम्बी नारायण सर की अचीवमेंट के बारे में बताओ तो उनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी, और ये उस दौर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जिस टाइम APG अब्दुल कलाम की टीम सॉलिड मोटर्स पर काम कर रही थी। और उस वक्त इन्होंने आगे का सोच रहे थे, भाई इसरो को ये टेक्नोलॉजी आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो इस वजह से उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया था। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, नारायण सर की टीम ने विकास इंजन बनाया। अब ये इंजन आगे चल के इसरो के चंद्रयान उसको मून में पहुँचाने के लिए विकास इंजन का एक बहुत बड़ा हाथ था। खैर कहने को तो यार नम्बी नारायण सर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको अगर हम लोग बताने जाएंगे तो यार वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये सारी की सारी उनके बारे में जानकारी आपको गूगल के विकिपीडिया पे मिलने को मिल जाएगी। अब वहाँ पर कितनी बातें सच है, कितनी बातें उन लोगों ने बताई है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमको ज़्यादा जानना है तो हमें रॉकेटरी ये पर्टिकुलर मूवी देखनी पड़ेगी। खैर अब वापस हम लोग उस ट्रेलर पर आते हैं तो यार आर माधवन सर ने जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यानी कि उनकी स्टार्टिंग में नम्बी नारायण किस तरह से दिखते थे उसको भी स्क्रीन पर अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ते गई कैसे कैसे उनका लुक बदलते गया, यानी कि वो हर एक चीज़ को यहाँ पर हमें ट्रेलर में हमने फील किया। और कहना पड़ेगा यार भाई आर माधवन सर ने दबा के मेहनत की है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी लग रही है और हाँ BGM जो कि आपको इमोशन करता, और जो डायलॉग है, एक ट्रेलर में एक डायलॉग है, कुत्ते को मारना है तो उसको पागल बता दो और किसी इंसान को बर्बाद करना है तो उसे देशद्रोही बता दो। और ये जो डायलॉग है, किसी इंसान को बर्बाद करना है उसे देशद्रोही बता दो, ये देशद्रोही जो वर्ड है ना वो हमारे इंडिया में ना लोग आलू प्याज मौसम्बी संतरे की तरह यूज़ करते हैं, मतलब इतना बल्क में यूज़ करते हैं, किसको भी देशद्रोही बोल देते हैं, मतलब ये ऐसा लगता है कि एक कॉमन वर्ड हो गया है। और ये वर्ड के बाद जब किसी इंसान के ऊपर ये एक टैग लग जाता है देशद्रोही का, तो उसके बाद उस इंसान की किस तरह से ज़िंदगी ख़राब होती है, बोलने वाला इंसान कभी ये सोचता नहीं, चाहे वो गिल्टी हो या ना हो बस उसको देशद्रोही बोल देते हैं, फिर उसके बाद वो किसी भी ट्रॉमा से गुजरे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो शायद ये मूवी देखने के बाद जो ये जो देशद्रोही जो लोग बोलते हैं, शायद ये मूवी के बाद उनको एहसास हो कि जब किसी को हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते जो वो नहीं है, तो उसके बाद वो इंसान दिमागी तौर पे किस तरह से चीज़ें बर्दाश्त करता है, किस तरीके से वो खुद को संभालता है, क्या कुछ होता है, यार वर्ड्स नहीं है मेरे पास। मैं इतने कह सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि नम्बी नारायण सर हमारे इंडिया के वो नगीने हैं जो मतलब बार बार पैदा नहीं होते।
तो यार थैंक यू सो मच सर। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो की एंड इस तरह से होगी। आई लव द ट्रेलर, आर माधवन सर ने बहुत अच्छा काम किया है, एक ऐसी बायोपिक लेके आई है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और लोगों को पता चलना चाहिए कि नंबी नारायण जैसे इंसान भी है हमारे इंडिया में, जिन्होंने हमारे इंडिया का नाम कितना ज़्यादा प्राउड किया है। तो यार बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।